ट्रकों पे लोग बैठ के आए और लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोग देखने को मिले। इतनी भारी मात्रा में वहां पे आते हैं कि पुलिस भी उस सारी चीज को संभाल नहीं पाई। उस हॉस्पिटल के अंदर पूरी तहस-नहस मचा दी गई। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि एक सबूत के मौके पर यूज करा जाए। 8 अगस्त 2024 कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली 31 साल की सेकेंड ईयर डॉक्टर ट्रेनी रात को लगभग 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद रेस्ट करने जाती है, क्योंकि उसने पिछले 36 घंटे से अपनी ड्यूटी मतलब अपनी शिफ्ट पूरी कर रही थी, तो थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी था। उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी रेस्ट रूम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो 3rd फ्लोर पर एक सेमिनार रूम था जिसमें वो रेस्ट करने चली गई। और सुबह जब उस सेमिनार रूम में कुछ बहुत सारे डॉक्टर और ट्रेनीज भी पहुंचे और जूनियर्स पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस डॉक्टर ट्रेनी की मरी हुई बॉडी पड़ी हुई है, और उस बॉडी जो है वो पूरी तरीके से नेकेड बॉडी देखने को मिली। उसके बाद जैसे ही ये हंगामा मचा, तो सबसे पहले जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके पेरेंट्स को फ़ोन मिलाया गया। लगभग 9:30 बजे सुबह उनके पेरेंट्स को फ़ोन मिलाया गया और ये बताया जाता है पेरेंट्स को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। माँ बाप जब पहुँचते हैं तो उन्हें अपनी बेटी की 3 घंटे तक शक्ल ही देखने को नहीं दी। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब ये पता चला कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है, ये एक रेप है, ये किस्सा आग की तरफ फैलने लगता है। उसके बाद दोपहर में ही बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। ऑटोप्सी यानी कि एक पोस्टमार्टम यानी कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि ये जो डेथ हुई है उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट 9 अगस्त को लगभग 6:30 से 7:30 बजे जब शाम को आती है, तो सबकी रूह कांप गई, क्योंकि उस ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट थी वो कोई एक छोटी रिपोर्ट नहीं थी। उसमें ये नहीं बताया गया कि ये जो डेथ हुई है ये इस पर्टिकुलर किसी चीज़ की वजह से हुई है। उसमें मल्टीपल जगहों पे निशान, ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, जेनिटल टॉर्चर, नोज एंड माउथ क्लैम्प्ड, हेड स्मैश्ड, थ्रोट स्ट्रैंगल्ड टू सफोकेट, थायरॉइड कार्टिलेज ब्रोकन due to strangulation, injury on the lip, scratches on the face, injuries on face and nail, injuries on the left leg, injury on the neck. गला दबाने से उसकी मौत हो गई थी। अलग अलग प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, आंखों में से खून आ रहा था, क्योंकि जो चश्मा पहना गया था उस चश्मे को ऊपर भी मार मार के मतलब गुम्मे मारे, हाथ मारे, जिससे जो चश्मे का जो कांच था वो आंखों में चला गया था। फिर सुबह एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी जो कि इस केस को संभाल रही थी। जब पूरी बिल्डिंग का जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि उस सेमिनार हॉल में बॉडी के पास एक ब्लूटूथ हेडसेट देखने को मिला। और रात की जब सीसीटीवी फुटेज चेक करी गई, रात के 3 बजे के बाद की, मतलब सुबह के 3 बजे की बात की, तो सीसीटीवी फुटेज में एक सिविक वॉलंटियर देखने को मिले जो कि कर्नाटका पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में 2019 से काम कर रहे हैं। अब एक्चुअली में सिविक वॉलंटियर होता क्या है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ लोगों को चुना जाता है पुलिस की हेल्प करने के लिए, जैसे ट्रैफिक संभालने के लिए या हॉस्पिटल में कोई तैनात करना है, तो उसके लिए इन लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर चुना जाता है। ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है। तो बेसिकली ये जो सिविक सर्वेंट है यहाँ पे, ये जो संजय रॉय हैं, ये रात को 4 बजे सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। और उसके बाद जब सुबह इस एसआईटी टीम ने मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब संजय रॉय को पकड़ा और उसके फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करी उस हेडसेट से, तो वो एक ही बार में कनेक्ट हो गया। इससे ये साबित हो गया कि संजय रॉय ही था उस रूम के अंदर जो उस समय वहां पर मौजूद था। लेकिन यहाँ पे जो जनता है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेनीज है, और मतलब पूरी दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है कि संजय रॉय अकेला था। क्यों मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ को, तो ऑटोप्सी टीम भी मना कर रही है, मतलब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं कि ये काम एक अकेले इंसान का नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट के पास 150 ग्राम सीमेन पाया गया, जो कि खुद फॉरेंसिक डॉक्टर्स का कहना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान का इतना ज़्यादा सीमेन देखने को मिले। इतनी ज़्यादा मात्रा का जो सीमेन है वो कम से कम ज़्यादा लोगों का, एक इंसान का हो नहीं सकता। तो वहाँ से ये तो साबित हो गया कि ये जो सुसाइड नहीं है, एक तो मर्डर है, रेप है, और साथ ही ये गैंग रेप है। ये इकलौता रेप नहीं है कि संजय रॉय ने ही करने को मिला, यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक बाकियों का खुलासा देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बल्कि बाकियों को यहाँ पर छुपाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि अगले ही दिन उस ही सेमिनार हॉल के पास में एक रूम है और एक वॉशरूम है, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा केस उस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है और उस हॉस्पिटल के अंदर अगले ही दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबूत हो सकता है कि वहाँ पर जो ऐसे कुछ सबूत देखने को मिले या रह गए, उसको टैम्परिंग करने की कोशिश करी जा रही है, उसको बदलने की कोशिश करी जा रही है। मतलब इतना सा रुका नहीं गया उस हॉस्पिटल के अंदर कि अगले दिन काम करा दिया। और जब पूछा गया हॉस्पिटल से कि भाई आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों स्टार्ट किया, तो वहाँ पर आंसर क्या देखने को मिला कि वहाँ पर और जो डॉक्टर ट्रेनीज हैं उन्होंने कहा कि उनके लिए रेस्ट रूम नहीं है, तो उसको बनवाने के लिए ये काम स्टार्ट कराया गया। अरे किसने कहा कि अगले दिन ही तुम ये सब काम करा दो? इतने पहले से तो करा नहीं मिला और इस केस के अगले दिन ही काम स्टार्ट कराना था। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, उनको सुबह ही रेजिग्नेशन देने को बोल दिया गया। उन्होंने खुद कह दिया कि चलो ठीक है। पहले तो वो रिज़ाइन करने से तैयार नहीं थे, बाद में कहते हैं कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ और मैं रिज़ाइन करता हूँ यहाँ से। अब आप समझ सकते हैं कि सुबह उन्होंने रिज़ाइन करा 9 अगस्त को, और शाम को उनको सीएनएमसी कलकत्ता के एक और मेडिकल कॉलेज में शाम को वहाँ पे प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस भी कर दिया। मतलब आप देख रहे हैं, एक तरफ से रिज़ाइन करा जाता है और दूसरी तरफ से उन्हीं प्रिंसिपल को कुछ ही घंटों में, मतलब बेहद 4-5 घंटों के अंदर दूसरे कॉलेज में अपॉइंट भी कर दिया। उसके बाद जब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुँचता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे किसी की देखने को नहीं मिल रही हाई कोर्ट के आगे। जब हाई कोर्ट तक ये चीज़ बात पहुँचती है तो हाई कोर्ट फटकार लगाता है और कहता है कि भाई आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि सुबह उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और आपने शाम को दूसरे कॉलेज में डाल दिया। अरे आप वहाँ पे पहुँचे कैसे शाम को? और जैसे ही प्रिंसिपल की जब फटकार यहाँ पे लगती है तो उनको कहा जाता है कि भैया आप एक चुपचाप घर पे बैठो, आपको अभी कहीं नहीं जाना कुछ दिनों तक, और बिल्कुल नजर मत आना। कैसी ये बंगाल की सरकार है कि इतना सा भी सबर नहीं था कि एक तरफ से रिजाइन हुआ और शाम को ही दूसरी जगह पे अपॉइंट भी करा दिया। वाह टीएमसी वाह। मतलब कि यहाँ तो कुछ अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। उसके बाद कुछ लीडर्स का ये भी कहना है बंगाल के कि भैया एक रेप ही तो है, रेप तो इससे पहले भी बहुत देखने को मिले हैं, तो इसमें कितना ज़्यादा इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात आ गई पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये किस्सा आगे बढ़ा तो भैया जो बीजेपी है और टीएमसी है, ये तो वैसे भी इनके 36 के आंकड़े रहते हैं, तो अब यहाँ पे इस केस को पूरी तरीके से डीपली इन्वेस्टिगेट करा जाएगा। और हो सकता है कि कुछ ऐसे केसेस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी बाहर आएँ जो शायद बाहर नहीं आनी चाहिए थी। जिसके बाद बीजेपी के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि जो टीएमसी सरकार है वो हमारे साथ ABCD खेल रही है। She has started ABCD. A for अपराधी बचाओ, B for बहाने बनाओ, ब्लेम करो, C for कवर अप एंड डी फॉर ड्रामा। अब हाई कोर्ट करता क्या है? हाई कोर्ट कहता है कि ये जो पुलिस है, मतलब ये जो SIT टीम बनाई गई है, आप लोग बिल्कुल यहाँ से दूर हट जाओ। अब ये जो केस है वो सीधा CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि ममता बैनर्जी ने भी साफ साफ कहा था कि अगर ये जो केस है ये संडे तक मामला नहीं निपटता है तो मैं खुद ये जो केस है वो CBI को ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा अरे भैया आप रुक जाओ, इतना समय क्यों देना किसी चीज़ को? ये जो केस कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं, तो CBI ने उससे पहले ही इस केस को सीधा CBI को ट्रांसफ़र कर दिया। अब CBI इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि असल में मामला है क्या। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये देखने को मिली कि 14 अगस्त को रात के 12:30 बजे, मतलब सुबह के 12:30 बजे, मतलब 15 अगस्त आ चुका था, कि कुछ लोग बहुत सारे ट्रक्स पे बैठ के, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, ट्रकों पे लोग बैठ के आए और लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोग देखने को मिले। वो रात को उसी हॉस्पिटल के पास आते हैं जहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, पुलिस वहाँ पे तैनात थी, लेकिन वो इतनी भारी मात्रा में वहाँ पे आते हैं कि पुलिस भी उस सारी चीज़ को संभाल नहीं पाई। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए, और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। बैरिकेड्स को तोड़ते हैं, हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, सारे के सारे फ्लोर्स में जाते हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, और वहीं पर तोड़ फोड़ सारी चीज़ें चालू कर देते, तोड़ना फोड़ना। जिसके बाद जब ये संभल में नहीं आते तो पुलिस वहाँ पे अपनी टीयर गैस चालू करती है और वहाँ पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिए, जिसके बाद उस हॉस्पिटल के अंदर पूरी तहस नहस मचा दी गई। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि अब समझ लो 90% काम हो चुका है। मतलब जितने सारे सबूत थे, जितने मिटाने थे, वो पहले निपट गए थे जब वो कंस्ट्रक्शन से पहले, और बाकी बचे बचाए वो अब 14 अगस्त को भी ख़त्म कर दिया है। अब हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि एक सबूत के मौके पर यूज़ करा जाए। वहीं पूरे भारत में इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोग लोग मांग कर रहे हैं कि इस केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करा जाए। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अंदर देखने को क्या मिल रहा है कि एक और जो रेपिस्ट है राम रहीम, उनको 21वीं बार दोबारा से बेल देखने को मिली, और बेल भी ऐसे समय देखने को मिल रही है जब हरियाणा के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना, पॉलिटिक्स है यहाँ पे, पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर एक तरफ ये केस देखने को मिल रहा है जिसकी अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, और दूसरी तरफ दूसरे ही रेपिस्ट को रिलीज कर दिया जा रहा है। मतलब इतने सालों में इतने सारे केसेस आने के बावजूद भी कोई आउटकम्स नजर नहीं आते, कोई पूरी तरीके से एक डिसीजन नहीं लिया जाता कि भैया ठीक है फांसी की सजा दे दी, काम खत्म, इंसान रहेगा ही नहीं। उसके बाद अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि वो पुणे कार एक्सीडेंट, एक छोटा सा लौंडा अपने पापा की पोर्शा कार से दो जनों को उड़ा देता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बेल मिल जाती है। और क्या आप लोग को ये मैटर याद है? सब भूल गए हैं। तो क्या आप चाहते हैं इस जैसा मैटर भी आगे थोड़े दिनों बाद सब भूल जाएं? क्योंकि धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर होता क्या है, केस आता है, केस उठता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे निर्भया केस तो आपको पता ही होगा ना, वो जो दिल्ली का बस वाला केस है, और ये केस भी उससे कुछ मिलता जुलता ही है। उस केस को आज कोई याद नहीं करता। अब इसके बाद ये जो लौंडे वाला केस था उसको कोई याद नहीं करता। अभी 3 यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली के अंदर उस कोचिंग सेंटर में मर गए, अब उनको भी कौन याद कर रहा है? तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो यही लगता है कि सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि जब तक इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, और खासकर तो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए कोई बॉडी नहीं बनाई गई स्पेशल की जो तुरंत ही एक्शन ली जाए। अगर महिलाओं के साथ भी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वो भी उस हॉस्पिटल के अंदर ये काम हुआ है जिस हॉस्पिटल में उनका प्रोफेशन है, रोजी रोटी है, तो भैया वो सेफ कहाँ है? रोडों पर वो सेफ नहीं है, ठीक है, बाहर कहीं किसी शहर में रह रही है तो सेफ़ नहीं है। अब जहाँ काम करने जाएं हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ भी सेफ़ नहीं है, तो क्या करेंगे मेरे भाई? ये बात ही समझ में नहीं आ रही। तो वो करे तो करे क्या? मतलब कोई किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो भाई सरकार कर क्या रही है? इन सारी चीज़ों पर क्यों एक तरीके से डिसीजन नहीं आ रहा है? किस चीज़ का यहाँ पर डर देखने को मिल रहा है? तो सरकार को इन सारे मैटरों के बारे में सोचना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये मैटर जो है अभी इसको भी दबा दिया तो आगे और मैटर्स जैसे आएंगे और लोग धीरे धीरे इन सारे मैटरों को भूल जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि इस बार सरकार किसी न किसी चीज़ पे तो एक्शन पे तो निकल के आए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।